जनरेशन सिस्टम का, जिसमें विंड एनर्जी द डायनामो यहाँ पे अटैच है। उसके बाद यहाँ पे सोलर पैनल लगाया है, तो यहाँ पे सोलर पैनल हमने लगाया है, तो नीचे है वो, तो यहाँ से वायर आया, तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी MPPT कंट्रोलर को और फिर बैटरी में स्टोर होगा। और जब भी विंड टर्बाइन रोटेट होगा डायनामो के साथ, तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर दिया है, तो उसके बाद वो बैटरी में स्टोर होगा एनर्जी। तो ये मेन कंट्रोल बोर्ड LCD डिस्प्ले के साथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये वेरिएबल IC जो वोल्टेज के लिए हमने मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये LED इंडिकेटर्स, LED लाइट जहाँ पे हम ग्लो करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ऐसी पिन यहाँ पे रहेगी, ओपन ही रहेगी। तो आपको ये पिन जो है यहाँ पे, ये जहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। तो ये नॉच आपको ध्यान में रखना है, तो नॉच में ही जाना चाहिए, उल्टा नहीं लगाना है। तो यहाँ पे पहले आपका प्रोजेक्ट का नाम लिख के आएगा, और यहाँ पे आपको वोल्टेज लिख के आएगा, प्रोजेक्ट का नाम भी वोल्टेज लिख के आएगा, 0.0 वोल्टेज, ठीक है। तो अपने को अभी वोल्टेज मेजर करना है, तो उसके लिए आपको ये जो पिन है, ठीक है, टोपोडल पिन बोलते हैं इसको, तो इसको आपको जो पॉजिटिव सेक्शन है वहाँ पर आपको अटैच करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, तो यहाँ पर जो वोल्टेज की रेटिंग्स है देख पा रहे होंगे, तो वैसा हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ से जैसे वोल्टेज अपना मिलता रहेगा, तो बैटरी में स्टोर होता रहेगा और वोल्टेज अपने को यहाँ पे मेजर होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा सेक्शन रहेगा वोल्टेज मीटर, वोल्टेज मॉनिटरिंग का। उसके बाद यहाँ पे हमने एक LED लाइट्स वगैरह लगाए, जो बैटरी से जो भी एनर्जी मिली है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे लाइट जो है वो ग्लो होगा जब भी आप ये स्विच ऑन करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन दिया है मैंने एडाप्टर का, इनकेस आपकी बैटरी काफ़ी लो हो गई है और आप दिखा नहीं पा रहे हो पूरा सेक्शन, तो यहाँ पे हमने एडाप्टर दिया है, यहाँ पे भी स्विच दिया है। जब ये स्विच, तो ये एडाप्टर सेक्शन है, यहाँ पे एक स्विच दी गई है, जैसे ऑन कर दो तो यहाँ पे लाइट चालू हो जाएगा, तब आपको ये इंसर्ट करना है, प्लग इन करना है, तो बैटरी आपके डायरेक्टली चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, अदरवाइज आप विंड टर्बाइन और सोलर पैनल से भी बैटरी तो चार्ज कर सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये जो पिन है आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, बोर्ड चालू हो जाएगा, डिस्प्ले चालू हो जाएगा। उसके बाद क्रोकोडाइल पिन यहाँ पे लगा के आपको वोल्टेज मेजर करना है। उसके बाद यहाँ पे लाइट जो स्विच लाइट है उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे स्विच दी है, उसको ऑन करना है, बाकी का आपको तो पता ही नहीं, ठीक है।